जीके से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली ऐसे वीडियो की जानकारी आपको हर रोज मिलती रहेगी। साथियों, हर एक सवाल के बाद आपको 5 सेकंड का समय भी दिया जाएगा, जिसमें आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, रामायण के रचयिता कौन थे? जी हाँ फ्रेंड्स, रामायण के रचयिता कौन थे? आंसर आपको पता था, आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। रामायण के रचयिता कौन थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। अगला सवाल है, बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन थे? जी हाँ फ्रेंड्स, बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा, बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? जी हाँ फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? जिसका सही आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला सवाल है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ फ्रेंड्स, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 46 होती है। अगला सवाल है, स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? जी हाँ फ्रेंड्स, स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टमी कहलाती है। अगला सवाल है, इस्माइल का फुल फॉर्म क्या होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, इस्माइल का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, इस्माइल का फुल फॉर्म स्वीट मेमोरीज इन लिप्स एक्सप्रेशन होता है। अगला सवाल है, चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड, चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। अगला सवाल है, शिरडी साई बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, शिरडी साई बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, शिरडी साई बाबा मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला यात्री कौन है? अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला यात्री कौन है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला यात्री वलेरी पोल्याकोव है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में पहला बंदर कब भेजा गया था? जी हाँ फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में पहला बंदर कब भेजा गया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष में पहला बंदर 1949 में भेजा गया था, जिसका नाम अल्बर्ट 2 था। अगला सवाल है, जापान का प्राचीन नाम क्या था? जी हाँ फ्रेंड, जापान का प्राचीन नाम क्या था? जिसका ए ऑप्शन निपान, बी जापान, सी नेपी, डी निपन। आंसर आपको पता था, आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जापान का प्राचीन नाम क्या था? जिसका सही आंसर हो जाएगा, जापान का प्राचीन नाम निपन था। तो साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की जानकारी आपको हर रोज मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू।